दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SRS मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अपना WhatsApp अपने कंप्यूटर पे कैसे लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप WhatsApp में जो भी हो अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट PDF हो गया, या कोई किसी का सेंड करना है, जो भी कुछ है सिस्टम में उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहले चलते हैं WhatsApp में। WhatsApp में जाने के बाद हम WhatsApp ओपन करेंगे। अगर आप पे फिंगर लगा है तो फिंगर लगा के ओपन कर लें। उसके बाद से फिर साइड में कॉर्नर में आप क्या बोलते हैं ऑप्शन दें, यहाँ पे। उसके बाद से फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है लिंक डिवाइस पे, यानी कि इस पे इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करें, उसके बाद फिर इसके बाद फिंगर मांगेगा। फिंगर दबाने के बाद आपको अलाउ कर देगा। अब उसके बाद कंप्यूटर में जाएं। कंप्यूटर में जाने के बाद डेस्कटॉप पे सर्च करें व्हाट्स वेब, WHAT वाट्स वेब। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट आएगा सेकेंड नंबर व्हाट्सएप वेब, यहाँ पे इसको क्लिक करें तो कुछ बार कोड इस तरह आएगा। इस बार कोड को स्कैन कर लें। जैसे ये स्कैन करेगा और कैमरा ऑफ हो जाएगा। अब ये व्हाट्सएप मेरा इसमें खुल चुका है। खुला है, इंटरनेट की थोड़ी सी स्लो है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है इसमें। इंटरनेट काफ़ी स्लो है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लें। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा आपसे, मेरा अब WhatsApp मेरे स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। अब इसको हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और लॉगआउट करना है, यहाँ पे फिर ओपन करें और सबसे नीचे लिखा हुआ है लॉग आउट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन करेंगे ये आपका बारकोड फिर शो करने लगेगा इस तरह से। दोस्तों, इसी तरह से हमको अपना WhatsApp स्कैन करना है।